ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको टनल के अंदर से दिखा रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं लेकिन हलचल बहुत तेज़ है। कुछ ही पलों का इंतज़ार बताया जा रहा है क्योंकि एम्बुलेंसेज भी अंदर पहुंच चुकी हैं, तैनात हैं इस वक्त और ठीक गेट पर टनल के, और फिर उसके बाद जैसे ही निकाला जाएगा, जैसे शिवांग बता रहे थे कि एक मजदूर को निकालने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, जब मजदूर ऊपर पाइप के सहारे ऊपर आएंगे सुरंग के जो पहला दरवाज़ा है, सुरंग का जो मुख है यानी एंट्री गेट है, वहाँ पर पहुँचने में 2 से 3 मिनट का वक्त एक मजदूर को लगेगा और 41 मजदूर निकालने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार वाले टनल के अंदर बुलाए गए हैं, ये हमें जानकारी दी जा रही है। परिवार वालों को मजदूरों से मिलाया जाएगा, अपने मजदूरों से, अपनों से मिलवाया जाएगा, मजदूरों के साथ अस्पताल जाएंगे फिर परिजन। अस्पताल के लिए एम्बुलेंसेज पूरी तरह से तैनात हैं, अस्पताल ले जाए जाएंगे मरीज, मजदूर हैं परिजन उन्हें ले जाएंगे, परिजन भी साथ जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले शिवांग आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स भी यहां पर कह रहे थे शिवांग कि बाहर आते ही उस एक्साइटमेंट में किसी समय को नहीं गवाना है, उनकी कंडीशन को देखते हुए ही ये अभी फिलहाल डिसीजन लिया गया कि परिजनों को ही अंदर बुला लिया गया, जो जिसके परिजन है वो अपने से मिले, उनसे बातचीत करें और एम्बुलेंस में उनके साथ ही चले जाएं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में अच्छी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि लगातार, क्योंकि पिछले कई दिनों से कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है मजदूरों के साथ, तो मजदूरों ने प्रशासन को बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है, लगातार उनको दवाइयां दी गई हैं, खाना पानी दिया गया है, स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी उनकी नहीं है जो हम तक जानकारी आई है। तो क्योंकि उनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक है तो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स उनको दिए जाएंगे कि वो परिवार वालों से मिल सकें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो परिवार के लोग यहाँ रोज़ पहुँच रहे थे, मैं आपको दिखाऊँ, हरीश आप दिखाएँ अंदर टनल का, तो वहां उन लोगों को एकत्रित किया जाएगा, परिवार के लोग अंदर गए हैं, वहां उनके जब श्रमिक बाहर आएंगे तो वो एक एक करके अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, लेकिन समय ज्यादा नष्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो बॉडी का तापमान है वो भी बहुत अलग है, बाहर का मौसम सर्द हो चला है, धूप अब कम हो चुकी है और अंदर वो लगातार बिना हवा पानी के रहे हैं, ऐसे में उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। चीजों की व्यवस्था की जा चुकी है, अस्पताल तैयार हैं, एम्बुलेंसेस तैयार हैं, गर्म कपड़े भी तैयार हैं, बस इंतजार हो रहा है कब ये 41 मजदूर बाहर आते हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, परिजन भी अंदर बुलाए गए हैं ताकि वो साथ रह सकें उन मजदूरों के। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, आप तो NDRF में रहे हैं, आप जानते होंगे कि जो मुश्किल वाले ऑपरेशन होते हैं उन्हें कैसे अंजाम, एक पैसेज बनाया जाता है सेफ पैसेज, ताकि क्योंकि यहाँ पर 800 mm के पाइप लगाए गए थे, अब ये सेफ पैसेज पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। बिल्कुल, ये जो पाइप लगाया गया है, आप देखिए जो 800 mm का पाइप लगाया गया है जिससे सेफ पैसेज, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, ये काफी डिफिकल्ट है। ये तपोवन में जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमको काफी बड़ा सीख मिला था, लेकिन ये एक अजीब घटना हुआ जिसमें कि काफी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और टेक्निकल प्रॉब्लम को निकालते निकालते काफी समय भी बीत गया। ये एक ट्रेनिंग के लिए, हमारा ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ी विषय है, और इसमें जो है अगर मशीन जो है इसका फेलियर होना, इसको रिपेयर करना, उसमें टाइम गवाना, ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करना और उसमें रेड माइनर को बुलाना, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से लाना, फिर उसी से डिसीजन लेना कि रेट माइनर को अंदर जा करके खुदाई करने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सिर्फ NDRF का नहीं है, मैंने NDRF टेक्निकल एक्सपर्ट्स, SDRF और रेट माइनर्स में सबको बधाई देता हूँ। अभी जो है लास्ट पाइप जो है उसको वेल्डिंग करके उन्होंने बिल्कुल दूसरे पार तक निकाल दिए है, और NDRF के जो ट्रेंड जवान उन्होंने अपना जो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ब्रीदिंग अपर्टस लेकर के अंदर गए हैं, और अभी जो बता रहे थे क्योंकि लाने के लिए जो प्रोग्रेस रहेगा वो एक एक करके इकट्ठा जो है वन बाय वन सबको नहीं ला सकते जी। एक ट्रॉली के ऊपर उन्होंने एक आदमी को रखेंगे और एक मजदूर को रखेंगे और उनको भी ब्रीदिंग अपर्टस दिया जाएगा, क्यों देखिए 57-60 मीटर्स का दूरी, उनको 2 फीट का पाइप के अंदर आना है, कुछ भी हो सकता है,
डार्कनेस है, हो सकता है और हालात को मॉनिटर किस तरीके से किया जा रहा है। मैं आपके पास आती हूं मिश्रा सर, क्योंकि सीएम धामी को लेकर भी बड़ी खबरें हैं और काफी देर से वो टनल के अंदर ही मौजूद हैं और इस वक्त टनल में मौजूद सीएम धामी को लेकर शिवांग आपसे क्विक अपडेट चाहूंगी, क्योंकि पीएम के पूर्व सलाहकार भाकर कुलबे भी वहीं पर मौजूद बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर मौजूद थे, एक साइन ऑफ रिलीफ उनके चेहरे पर तो हमने देखा था। इस वक्त टनल में सीएम धामी की मौजूदगी और सभी अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर क्या बड़ी खबरें शिवांग? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि भास्कर फुलबे जो हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय के निवेदन पे, उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री के वो सलाहकार भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हर दिन वो हम लोगों से बात करते थे और अपडेट बताते थे कि क्या कुछ ऑपरेशन में हो रहा है, क्या कुछ गतिविधियाँ हैं। वो और उनकी पूरी टीम NHIDIL के जो लोग हैं वो हों या फिर जो बाकी 5 एजेंसीज़ हैं उनके लोग हों, उत्तराखंड सरकार के सचिव हों, तमाम लोग इस टनल के भीतर मौजूद हैं और वहाँ पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी पिछले 17 दिनों में कई बार यहाँ पहुँचे हैं, एक से दो बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रशासन ने उनको इस तरह की सूचना दे दी कि काम होने वाला है, इसीलिए यहाँ से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर जो मातली गांव है वहाँ वो आके गेस्ट हाउस में रुके, रात भर रुके, उनका एक टेम्प्रेरी ऑफिस वहाँ पे बनाया, वहीं से पूरी स्टेट को चलाने का काम किया, लेकिन अच्छी सूचना नहीं मिल पाई, आखिरकार उनको लौट के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक उदासी का सबब निश्चित तौर पर यहाँ पे कई लोगों के चेहरे पर देखने को मिला और कई बार देखने को मिला। इसीलिए 2 से 3 दिन के भीतर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें यह साफ कहा गया कि हम कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, कोई टाइम फ्रेम में इसको नहीं बांधेंगे, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि अब आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, आखिरकार उनको ये कहना पड़ा कि हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, इसीलिए ऑपरेशन जब खत्म होगा तभी बताया जाएगा कि आखिर ये 41 श्रमिक कब निकलेंगे। अब ये लास्ट मोमेंट्स हैं जब जिसके अंदर एक मीटिंग भी चल रही है अंदर, और ना केवल इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई बल्कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा कि इनको यहाँ से ले जाने के बाद इनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं, कोई उड़ीसा से है, कोई झारखंड से है, वहाँ तक भी पहुँचाना है। ऐसे में जो टीम्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सब देहरादून पहुँच चुके हैं, इस प्रकार की मेरे को जानकारी है। देहरादून से जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, close collaboration in India and we are the experts in tunneling as well as other operation jobs across the Indian construction industry. यहाँ आपका क्या काम है? हमारा यहाँ पे काम था जो टनल थी उस टनल को हमको एक कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था और जितना भी पाइप उसके अंदर जा रही 800 mm डायगी जो पाइप जा रही थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी, तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड करा थे। अच्छा ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है, पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है, पाइप एनव्यूगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारे इस ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे 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 बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेज होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। NDRF की टीम अंदर जा चुकी है, उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। ठीक है, एक और कर ले। यानी बड़ी बात इन्होंने बताई है कि ब्रेक थ्रू तो मिल चुका है और अंदर भी एक पूरी प्रक्रिया स्टेज वाइज की जा रही है उन तक पहुंचने और उनको बाहर लाने के लिए। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर का ये बयान आपने सुना जिन्होंने बताया कि आखिर पाइप सही तरीके से मजदूरों तक पहुंच चुकी है। कल रात से अब तक जिस तरीके से इस ऑपरेशन में ये फाइनल पड़ाव चल रहा था उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आई, यही वजह है कि आज ये ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है, ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिसके तहत ये साफ हो चुका है कि अब ये फाइनल पड़ाव में मजदूरों तक पहुंचने का ये जो पूरा प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है।